नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो आज भाई ऐसे किसान साथी से मिलाऊंगा जो भाई ईख की खेती ज़्यादातर कर रहे हैं। और भाई सामने भैया जी इनका ट्रैक्टर और किसान साथी भी आज हमारे साथ हैं। तो भाई यहाँ पे ना अभी गन्ना जुताई चल रही थी, ये इनकी पौधा गन्ना है इसमें। तो भाई जो कृषि यंत्र है उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रैक्टर है इनके पास 5204, जो जॉन डियर में पहले काले इंजन वाले आते थे वो वाला ट्रैक्टर, तो इसके बारे में पूछेंगे थोड़ा सा। अच्छा नमस्कार आलम भाई। नमस्कार जी। तो आलम भाई ये बताओ कि जैसे ट्रैक्टर 5204 ये नया खरीदा है पुराना मिल गया कहीं? नया खरीदा। अच्छा, इसकी डिमांड बहुत है पुराने की? अच्छा हाँ, डिमांड तो है ही, बढ़िया चला है, काम बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, और पीछे जैसे कृषि यंत्र देख रहा हूँ मैं, यू कैसा? यू भी लाजवाब है जी। लाजवाब? अच्छा अच्छा, आप बताओ जी, जैसे आपके खेत में काम करने आएंगे तो कैसा काम कर रहा कृषि यंत्र? बढ़िया काम कर रहा है, जबरदस्त। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चारों तरफ ईख ही खड़ी हैं। तो ईख में कितना कारगर साबित हुआ है? 100% 100%। पहले क्या हम भैंसे से जोतते थे, हाँ, ट्रैक्टर जोते डले उखलते थे। अच्छा, घास ऐसी रह जाती कई कई बार जोते थे। हाँ, एक बार में आप देख रहे हो। हाँ, एक बार में वाहन बना दिया, वाहन बना दिया बिल्कुल भाई। कृषि यंत्र और देख लो एक बार, ये है गन्ना वीडर भी बोलते हैं ऐसे, या गन्ना रोटावेटर या इंटररोवीटर, ये एग्रीगेट वालों का है। अच्छा, ये तो कितने दिन हुए इसे खरीदे हुए आलम भाई? दो साल पहले खरीदा हूँ। तो 2 साल से लगातार रगड़ते आ रहे हो, चलाते बढ़िया पर का। अच्छा जी, तो ईख की खेती भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे यहाँ? हाँ, तो और किसी पे भी है तुम्हारे ही पास है? ना, गांव में तो मेरे पास है। तुम्हारे ही पास है तो पूरे गांव का अकेले संभाल लो फिर। अच्छा, 5-6 गांव कवर कर, 5-6 गांव कवर कर रहे हो इसी वीडर से? इसी वीडर से कर रहे हैं जी। तो 2 साल से कोई खराबी ना आई? हल जो थे हाँ, वो खुंटी पर टांग दिए भैया किसानों ने। अच्छा, इसके सामने मतलब काम पसंद कर रहे हैं किसान इसका? अच्छा जी, ऐसा बढ़िया काम कर रहा 2 साल से? बढ़िया कर रहा जी, ब्लेडों के अलावा कुछ काम ही ना। अगर काम ही ना, साथी ईख भी है ना, हाँ, उससे भी इसी जुटवा रहा किसान। हाँ, क्योंकि काम देख रहे हैं भाई, देख लो आप भी देख लो, बिल्कुल ईख निखर कर रखी है, घास का तो नाम निशान ना छोड़ता। जो थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसे वैसे हटा दो अपने, थोड़ी सी मेहनत करके। बिल्कुल। तो जैसे आप देख रहे हो पिछली बार भी आपने काम कराया होगा, तो ईख पे कुछ फर्क पड़ा जी इससे? इससे पैदावार बढ़ी, पैदावार में पैदावार बढ़ती है इससे, घास तो होती नहीं है इसमें, जब बड़ी ईखों में घास हो जाए वो नहीं होती। अच्छा, मतलब मेहनत कम, हाँ, और पैदावार अधिक। पैदावार अच्छा, जैसे मानो इसमें लेबर लगाते लेबर आप? का तो मतलब ना के बराबर ही खर्चा है, बहुत कम हो गया खर्चा, डबल टिबल हो जाए लेबर का। खुदवा देते, 3 बार जुतवा देते, एक बेर में ऐसा कर रहा है। हाँ, एक बार में सूतम सांत मामला भाई, देख लो एक बार में ये क्या जबरदस्त इतने जुताई की है। तो और खुरपो से घास निकलवा दो। हाँ भाई, एक दफा खुरपो से घास निकलवा दो। हाँ, एक या दो बार चलवा दो इसे, दो दफा चलवा दो तो बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले। हाँ बिल्कुल, फिर तो काम ही खत्म, टेंशन फ्री, अपना बारिश पड़ती रहो और घर सोते रहो आराम से। हाँ, तो भाई देख लो ये है एग्रीगेट वालों का, इनके पास काफी शानदार। तो ब्लेड कितनी बार चेंज करे जी? ब्लेड कर दीजिए 5 बार। 5 बार? और कैसे करोगे आलम भाई? भाई 5 बार चेंज कर दिए ब्लेड। अच्छा, इनके जो ब्लेड हैं खुद के ब्लेड लगा रहे हैं आलम भाई ये? हाँ, तो घिसावट कैसी है उनकी? घिसावट तो चलने को है। नहीं, जैसे आप चलाए करो, आपने तो काफी ज्यादा चलाया। सूखे में चला रहे हो? हाँ, 10 दिन पहले चढ़े हैं। अच्छा, हाँ भाई, तुम सूखे खेतों में चला रहे हो तो ज्यादा घिसे। अच्छा, टूटने की शिकायत तो ना ब्लेडों में? ब्लेड नहीं टूट रहे जी। अच्छा, टूटते ही ना? नहीं टूट रहे, लेकिन टूटने की या मुड़ने की ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा जैसे इसे लेके आए हैं आप, तो कहीं इसमें मतलब जैसे ऐंच आ जा है या लहक जिसे बोलते हैं टेढ़ापन, वो तो ना हुआ कहीं? बढ़िया चल रहा। लोड फ्री है कि लोड दे ट्रैक्टर पे? लोड फ्री चल रहा हमारा, लोड फ्री चल रहा है। 50 HP ट्रैक्टर है, 50 HP ट्रैक्टर है, लोड फ्री चल रहा है। अच्छा, मानो इसे कोई छोटा ट्रैक्टर जैसे 30-35 हॉर्स पावर का चलाना चाहे? नहीं, चला लेगा अपने खेत में, चला लेगा, चला लेगा। अच्छा, लेकिन क्या मैं जो किराए का मैटर जो है वो अलग है? हाँ हाँ, अलग। 24 घंटे या 18 घंटे या 12 घंटे ट्रैक्टर चला रहे हो लगातार, तो इससे कितनी बड़ी बड़ी ईख जोत सके हैं आलम भाई? कुछ जैसे बड़ी ईख भी जुताई की होगी तो कितनी बड़ी बड़ी जोत सके? साइज है तो कम से कम इतनी बड़ी तो जोत देगा। अच्छा, छाती बराबर पेड़ी जोत देगा? छाती बराबर पेड़ी जोत देगा, जो इसके नीचे अगर पत्ता निकल जा रहा हूँ इससे इतना ऊंचा होगा। हाँ देखो, ये रहा हमारा खेत जो पेड़ी थी छाती बराबर, ये वाला जो इधर को, हाँ ये जुतवाई जुतवाई
जबरदस्त काम कर रहा है, बेहतरीन, मजे आ गए जी बिल्कुल। ये कल परसों जो होती है सामने, अच्छा हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं भाई, ये बड़ी बड़ी पीस है जो ये भी जोती है, और ये देख लो ये जुताई की इन्होंने काफी शानदार भाई। जो और किसान है वो भी बता रहे हैं जबरदस्त काम कर रहा है गन्ना बीटर। तो थोड़ा सा आलम भाई चलता और दिखा दो, किसान भाई होंगे चलता हुआ ना दिखाया, तो भाई चलता हुआ और दिखाऊंगा इसे तो कैसा काम कर रहा है, खड़का झड़का आवाज तो ना है। बाकी ये देखो भाई 2 साल पहले लेकर आए थे और भाई आज भी जबरदस्त काम कर रहा है इनके पास। और भाई देखो इसका काम, ये लोग जूना का बिल्कुल अभी नया हो, क्योंकि नया कृषि यंत्र कुछ अलग हिसाब से चले, और पुराना हो जाए तो भाई पुराने होने के बावजूद कुछ अलग चले। तो ये देखो भाई काम भी देख लो, और काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। ये मजे खड़े कर दिए, नहीं तो बड़ी कैड़ी मेहनत करनी पड़ती थी भाई। इसने ना किसानों को बिल्कुल आराम दिला दिया, ये देख लो। जबरदस्त गहराई, जबरदस्त मिट्टी कटिंग, नाम को फड़काना, और भाई 2 साल से चला रहे हैं किसान भाई, तो ये भी काफी शानदार है। बस रोक लो आलम भाई, रोक लो। गहराई और देखो, इसकी देखो गहराई भी चेक करो भैया, देखो कम से कम 4 इंच है गहराई भाई साहब। गहराई भी ठीक ठाक ले रहा है, ये भी चली रहा है। गहराई भी बढ़िया, दोबारा सिंगल में ही कर दे, हाँ बिल्कुल, हाँ दोबारा, हाँ ये देख लो भाई गहराई दोबारा की तो जरूरत ही ना पड़े आलम भाई, सिंगल में इतनी गहराई कर देगा, बेसिक सिंगल डबल लगाओ। हाँ और देखो किसान, हाँ किसानों को भी ज्यादा महंगा ना पड़ रहा ना, 200 रुपए हर आदमी चलवा ले इसे। हाँ बैल वालों ने कर दिया 300 के रेट, 300 ये 200 में, ये 200 अपना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिलो दे घास को तो। हाँ ये 4 इंच चल रहा भी है मानो, बिल्कुल 4 इंच साली गहराई भी ना आई होती मोती। अच्छा ट्रैक्टर की वजह से जुताई सही कर रहा, हाँ ट्रैक्टर का भी फर्क है, ये तो सही कह रहे हो तुम, क्यों मल्टी स्पीड चक्कर है, हाँ मल्टी स्पीड चक्कर है। अच्छा तेज चक्करों पर चलाओ तो कटिंग और बढ़िया कर दे शानदार, बाकी ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है जी, काले इंजन वाला ही, 18,000 घंटे चल रहा है। 18,000, अरे कैसे करोगे जी, टायर कितने बदलवा दिए, टायर तीसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, इंजन वही है साथ का ही, इंजन वही है, क्लिच प्लेट भी वही है। अच्छा जी, हाँ हाइड्रोलिक में काम हुआ है, और जॉन डियर ने कमाल ही कर दिया, मतलब पुराने ट्रैक्टर तो ज्यादा ही शानदार है, जॉन डियर का अभी बढ़िया आ रहे हैं खैर, लेकिन जो भाई हाँ जो भाई काले इंजन वाले हैं उनके तो कहने ही क्या है, 2011। अच्छा पावर स्टीयरिंग में कोई काम तो ना हुआ, जब से पावर स्टीयरिंग में कोई काम ना हुआ, सील लीक की शिकायत दिखा दे कभी कभी, चलो सील तो ये तो कटती रहे हैं, और बाकी भाई ट्रैक्टर भी काफी शानदार बता रहे हैं। हाँ ये देख लो ट्रैक्टर भी वाइब्रेशन फ्री और कृषि यंत्र भी। तो भाई ये थी शानदार वीडियो, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके अवश्य बता देना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।